जश्न आजादी से कबल ही इसकी तकरीबात का आगाज हो गया है। इसकी एक मिसाल कनेड कॉलेज में खेले जाने वाला जश्न आजादी क्रिकेट फेस्टिवल मैच भी है। इस फेस्टिवल मैच का इनेकाद ग्रेनेड कॉलेज की डायरेक्टर स्पोर्ट्स मशीन हनीफ ने किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? अभी अगस्त तो बहुत दूर है, आपने अभी से इंडिपेंडेंस डे के फेस्टिवल मैचेस का आगाज कर दिया, क्या थीम थी इसके पीछे? स्पोर्ट्स फेस्टिवल या गाला कर रहे हैं जो तकरीबन चार दिन पर मुश्तमिल है। वीकेंड है सैटरडे और संडे, उसके बाद रमजान और मुबारक शुरू हो रहा है और 14 अगस्त क्योंकि फॉल कर रहा है रमजान में, हमारी कोशिश यही है कि रमजान से पहले इन तकरीबा को रमजान के बाद अगस्त की जो तकरीबात हैं वो पहले से शुरू हो गई और ये मैच भी इसी सिलसिले में कराया जा रहा है। इस मैच को खेलने के लिए एक बहुत अहम खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम की कप्तान है वो सना मीर है। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? सना, क्या कहेंगी इस फेस्टिवल मैच के बारे में? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, यंग लड़कियों में अपने मुल्क का जज्बा पैदा करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छा मैच हो रहा है और हम भी इंजॉय कर रहे हैं आके इधर खेल के। सना, कैसी गेम है लड़कियों की? आपने देखी भी, यंग भी हैं इसमें और ओल्ड आपके साथ जो खेलते हैं वो भी हैं, तो क्या आप समझते हो कैसा टैलेंट है? बड़ा अच्छा जी, इसी तरह ग्रूम होगा टैलेंट और बहुत कुछ हमें भी इनसे सीखने को मिलता है, अपने बेसिक्स याद आ जाते हैं और बहुत सी चीज़ें कि हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है यहाँ के डिफरेंट कंडीशन पे। मुरीद के भी मैचेस खेले हमने, यहाँ पे भी मैचेस खेल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है नए लड़कियों के साथ मिल के, अच्छा है कि वो भी साथ ग्रूम होते हैं। जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ ये लड़कियाँ क्रिकेट भी सीख रही हैं और सना मीर का कहना है कि इस तरह से बहुत अच्छा टैलेंट ग्रूम भी होगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।